Hello everyone, welcome back in today's class. Dear students, today we have to start exercise 10.3 from the chapter Practical Geometry of NCERT book. Okay, then without wasting much our time, let me begin with the exercise question number 1. This is question number 1. Construct triangle DEF, okay, such that DE is equal to 5 cm, DF equals to 3 cm and measurement of EDF. एंगल जो बीच में मेंशन जो लेटर बीच में मेंशन होता है वो एंगल वहाँ पे बना हुआ होता है. लेट मी मेक इट मोर क्लियर. जो ये डी लेटर है तो इसका मतलब ये जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये कौन से लेटर पे बनेगा, ये डी पे बनेगा. हम थोड़ा सा रफ स्केच बना लेते हैं पहले डी ई एफ, और इसमें एक एंगल हमें 90 डिग्री का गिवन है तो ट्रायंगल विल बी लाइक दैट. आप यहाँ पे मेंशन कर दे दैट दिस इज द रफ स्केच. एंगल डी विल बी ऑफ 90 डिग्री. मैंने डी को यहाँ पे लिखा है क्योंकि बी बीच में जो लेटर था वो डी था. E I have written here and F I have written here, ताकि sequence proper बन सके. E, D and F. Okay. अब हमारे पास आ चुका है question. DE is the measurement of DE is 5 cm and the measurement of DF is equal to 3 cm. Okay, fine. Let us begin. DF. Okay. I have taken that my DF is equal to 3 cm. I will take it out. My DE DF is equal to 3 cm. Okay, I have taken D and F and mention here that this is 3 cm. Here I will make an angle of 90 degree. You know, you can draw with the help of protractor as well as with the help of compass. This angle will be of 90 degree. Say first arc is of 60, second arc will be of 120. और एक आर्क जब आप 120 से लगाते हैं और दूसरी जब आप 60 से लगाते हैं तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज ऑफ 90 डिग्री. ये जो एंगल आपके पास जाता है ये 90 का जाता है फर्स्ट आर्क सेकंड आर्क 60 एंड 120 के बिल्कुल बीच में से. एंड ये आपका डी, ये आपका एफ, यहाँ पे कहीं आपका ई पॉइंट आएगा और डी ई आपका कितना होना चाहिए 5. हम क्या करते हैं कंपास से इसे स्केल से मेजर करते हैं हमारा 5 सेंटीमीटर. ओके वी हैव मेजर्ड इट. ओके नाउ वी कैन कट इट. हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी फिगर नीचे बनानी चाहिए थी बट वी आर नॉट नोइंग कि 5 यहाँ तक चला जाएगा. ये देखो 5 हमारा यहाँ पे कट हो रहा है. सो दिस पॉइंट विल बी आवर ई और हम ई और एफ को ज्वाइन कर देंगे. ई एंड एफ विल बी ज्वाइन एंड हेयर यू विल मैंशन दैट दिस इज 5 सेंटीमीटर. डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वॉन्ट, आप चाहते तो ई डी को बेस भी लेके ले सकते थे. देर इज अनदर वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द सेम ट्राइंगल. यू मे टेक बी बेस ई डी ऑल्सो but make sure angle must be on D, that is of 90 degree. I hope this question is clear to you. Let us see our question number 2. Construct an isosceles triangle. Isosceles triangle is that triangle having two sides same and two angles also same, opposite angles. Triangle in which the length of each of it equal side, जो दो side आपके पास equal है वो दोनों 6.5 centimeters की हैं and the angle between them is 110 degrees. Okay, fine. The construction of the triangle will be, the rough sketch will be like that. Now this is my triangle. Oh, that is too bad. मैं इसको दोबारा बना लेती हूँ. This is a rough sketch. Oh, one angle will be of 110 degree. तो मेरे को थोड़ा सा उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा. 110 degree का 90 से बाहर निकलता हुआ होता है. So the construction will be like that. ओके दिस एंगल विल बी ऑफ 110 डिग्री का थोड़ा सा एंगल वी हैव ट्राई टू फ्रेम एंड दो साइड जो आपके पास है दैट इज ऑफ 6.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 6.5 सेंटीमीटर. ओके सो लेट अस बिगिन अवर कंस्ट्रक्शन, मेन कंस्ट्रक्शन. सो हेयर आई विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 6.5 सेंटीमीटर. जीरो से स्टार्ट करेंगे, एग्जैक्टली 6 और 7 के बीच में 6.5 पड़ेगा. इफ यू वॉन्ट टू नेम इट यू कैन नेम इट एज बी सी, that is 6.5 centimeter. With the help of protractor you can draw an angle of 110 degree. This arc will be of 60 degree, this arc will be of 120 degree. और जब आप draw करेंगे तो 120 से आपका कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका 110 degree का angle आ जाएगा. This angle will be of 110 when you will measure, when you will do with the help of protractor, then this angle will be of 110 degree. Okay, now
इफ यू वॉन्ट दैट मी टू शो, अगर आप देखें तो देखो 110 डिग्री का एंगल आपके पास कैसे बनेगा. ये जो आपकी लाइन है, दिस लाइन मस्ट बी एट दिस कॉर्नर. और जब आप देखेंगे इसको, ये आपके पास 100 का बना है, तो हम इसको 110 का बना देते हैं. अप्रोक्सीमेटली 110 का ही बना है आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 110 का आपके पास ये एंगल बना है. तो हम क्या करेंगे, दिस एंगल इज ऑफ 110 और ये इसको हम ए नाम दे देंगे. दिस इज 6.5, तो हमारे पास इसको 6.5 यहीं से मेजर कर लेते हैं. नो नीड टू गो टू स्केल अगेन, क्योंकि ये भी तो 6.5 है अपना, 6.5. और आप इसको कट करेंगे, अगर लाइन छोटी पड़ रही है तो आप इसको थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं, एक्सीड कर सकते हैं ना, और आगे बढ़ा सकते हैं. जहाँ पे वो मीट हो रहा है आपका, उनको आप क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे. दिस इज़ योर ट्रायंगल एबीसी, दिस इज़ योर ट्रायंगल एबीसी. यू मे मेंशन दैट दिस इज 6.5 सेंटीमीटर. ओके, 6.5 आइसोसेलिस एंड दीज टू एंगल्स विल बी सेम. दिस इज 110 डिग्री, देन दिस टू एंगल विल बी ऑफ इक्वल बेसल, बिकॉज इन आइसोसेलिस अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ओके, लेट्स गो विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3. कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी. हम एक एबीसी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. सी पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है. इट विल बी बिट लाइक दैट, ए बी सी. सी पे जो एंगल बनाना है हमें 60 डिग्री का बनाना है. बी सी आपके पास 7.5 होना चाहिए एंड ए सी शुड बी 5 सेंटीमीटर. दिस इज रफ स्केच, लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन. बी सी 7.5, ओके, दिस इज 7, बिटवीन 7 एंड 8, दिस इज माई 7.5. नेम इट एज व्हाट, बी सी 7.5 सेंटीमीटर. ओके, देन एट सी आई हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, यू कैन डू. देखो प्रोटेक्टर को हमने कैसे रखा है, लाइन ओवर लाइन. ये आप, ये प्रोटेक्टर की लाइन आपकी लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए और ये जो लाइन है ये यहाँ पे एंड पॉइंट पे होनी चाहिए. अब हम लोअर अपर स्केल को देखेंगे. अगर आप राइट साइड में कंपास रखते हैं, अगर आप प्रोटेक्टर रखते हैं तो आप अपर स्केल यूज़ करेंगे. अपर स्केल विल बी ओ 60, मेरा यहाँ पे आ रहा है, देखो दिस इज माई 60 हियर. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपर स्केल में मेरा 60 यहाँ पे आ रहा है. वी विल ट्राई टू जॉइन इट. ओके, वी विल ट्राई टू जॉइन इट. नाउ हेयर ए पॉइंट विल कम एंड द मेजर ऑफ ए इज 5 सेंटीमीटर. ओके, देन आई विल फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ ए, 5 सेंटीमीटर. हम 5 सेंटीमीटर को स्केल से मेजर करेंगे एंड आई विल ट्राई टू कट इट. कहाँ पे कट होगा, यहाँ पे कट होगा. जैसे ही कट हुआ, आई जस्ट नेम्ड इट एज ए. आई हैव रिटन हेयर 5 सेंटीमीटर एंड आई विल जॉइन इट विद बी टू गेट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. ओके, दिस इज मेंशन हियर दैट दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री. दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. यू मे मेंशन एट द एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. I hope my dear student that these three questions of this exercise 10.3 is clear. These three questions are clear for everyone. If not, if any doubt is there, please let me know in the comment section. And if you want to watch the video again for more clarification, you can go for that. My dear student, if the doubts are clear, if the exercise is clear for my motivation, do not forget to like the video, share it with your friends and subscribe the channel for my motivation, so that I may bring the more useful videos for you in future. We will meet in the next class. Stay tuned with me. Till then, goodbye and take care of yourself.